कोई विरले इस तरह दे संत जन ने जो प्रभु दा नाम जप जप के जीवन दे चों रोगां दी सारी जहर नु कढ देंदे ए अखरी अर्थ खुलासा जी दे सामने करां। अज तो अंदाजन 5000 साल पहले रोगां दा इलाज मंत्रां राही हुंदा सी। दाड़ दुखदा है मंत्र, मत्था दुखदा है मंत्र, सप ने डंग मारे है मंत्र, ठूए ने डंग मारे है मंत्र। अजे भी बंगाल दे पिंडां च, अफगानिस्तान देच, ईरान देच, बंगलादेश देच और भारत दे भी पिंडां च मंत्रां दे राहें उपचार हुंदा है। मंत्र बोल नूं कहिंदे ने, जिहदा वाक खाली ना जाए, जिहदा बोल खाली ना जाए, जिहदा मंत्र खाली ना जाए, उहनूं कहिंदे ने मंत्री। पंजाबी च कहिंदे ने मांदरी। किसे एक तरह दे विशेष बोल दे च, वाक दे च, शब्द दे च, मंत्र दे च अपने मन नूं एकागर करके जपी जाना, जपी जाना, जपी जाना। मन की एकाग्रता करके वाक सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इस तरह के पुरुष नूं कहिंदे ने मांदरी, मंत्री। फिर उसका मंत्र चलता है। मंत्र नूं सिद्ध करन दे किसे दा साल लग जाता सी, किसे दे 5 साल, किसे दे 10 साल। क्योंकि मन नूं एकाग्र कीते बिना मंत्र सिद्ध नहीं आउंदा, ते अंदर पूरन तौर ते भरोसा भी ना होवे ते मंत्र सिद्ध नहीं आउंदा। फिर मंत्र किसे एक ही रोग ते काम आउंदा सी। अगर दाड़ दा मंत्र सिद्ध कीता है तो सिर्फ दाड़ ते ही काम आउंदा। ठूए दा मंत्र सिद्ध कीता सी तो सिर्फ ठूए ते ही काम करदा सी। या सप दा गारड़ी मंत्र जो गुरु अर्जन देव जी महाराज उस मंत्र दा नाम ही दसदे ने, राजस्थान दे सपेरे उस नूं गारड़ी मंत्र कहिंदे। दसन बेहोन भयंगंग मंत्रं गारड़ी निवारं, ब्याद पाड़न संतन नानक लबद करमणे। जिस तरह मांदरी गारड़ी मंत्र नूं पढ़ के सप नूं सुन कर देंदा है, उहदे दंद कढ देंदा है, और जद उसने किसे नूं डंग मारिया उहदी जहर ला देंदा है, ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करमण। खुलासा, प्राचीन काल विच इलाज मंत्रां दे राहीं हुंदा सी, और मंत्री हर शहर देच नहीं आउंदे सन, हर पिंड देच नहीं आउंदे सन। किसे नूं कुछ हो गया तो उस शहर देच, उस पिंड देच जाना पैंदा सी। मंत्र सिद्ध करन देच भी बड़ा टाइम लगदा सी, 2-4 साल, 5-10 साल। फिर मंत्र कम भी किसे कई रोग ते आउंदा सी, ते कम भी तां करदा सी रोगी का भी उस मंत्र देच विश्वास होवे। जैसे अज भी असी देखते हैं अद्धा ही काम दवाई कर दी है डॉक्टर दी, अद्धा मरीज का भरोसा काम करता है। अगर मरीज नूं भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो डॉक्टर दी औषधि भी काम नहीं करती। ये भी मैं अर्ज कर देना। इस वास्ते डॉक्टर दी पहले कोशिश होंदी है, विश्वास जमान हुंदी, ते उन्हों ए भी दसना है रोगी नूं भी तेनू मामूली जिहा रोग है, भावें वड्डा होए छेती ठीक हो जाएगा, ताकि उसनू विश्वास होवे, निश्चा होवे। विधि पुराने मंत्रियां ने भी यही अपनाई हुई सी।
इस दा मैनू थोड़ा जिहा जाती भी तजर्बा है। जम्मू श्री गुरु सिंह सभा दी गल है, 10 हर साल उथे 6वें पातशाह दे प्रकाश उत्सव ते जांदा रहे है श्रीनगर जम्मू। मेरी उथे दाड़ दुखण लग पई और बड़ी जोर दी, घंटा कथा करनी सी मैं अद्धा घंटा ही की समाप्ति कर दी। श्री गुरु सिंह सभा दे थले दुकाना ने मार्केट है गुरुद्वारे की, उन्हां दुकाना विच एक मोची है नवी जूतियां बना के बेचदा है, पर सवेरे सवेरे जब दुकान खोलदा है मंत्रां दे राहीं इलाज भी करदा है। 10वीं मरीज भी सवेरे आंदे सन उहदे कोल, इह मैं कई दफा उसनूं देखे। जिस दिन मेरी दाड़ दुखदी सी ते मैं कथा पूरी ना कीती, मेरे कमरे च आ गया, कहिंदा मस्कीन जी सुणिआ तुहाडी दाड़ दुखदी है। मैं कहा दुखदी है बड़ी जोर दी। मैं कहा 2-3 दिन दी दुख रही है पर अज ज्यादा। डॉक्टर कोल गया सी, कहिंदा सी कढ़नी पैणी, मैं आख्या गुरपुरब लंघ जाण दे फिर देखांगे। मैनू कहण लगा कढ़ाण दी लोड़ नहीं, आपां 5 मिंटां च ठीक कर देने। मैं कर दे, वह कुछ पढ़दा रहा ते फूक मारी। मैनू कहिंदा है मस्किन जी हुण आराम आ गया होना है। मैं कहा नहीं, कोई आराम नहीं, उस तरह पीड़ा है। उन्हें फिर पढ़ना शुरू किया तो टाइम भी लाया। कह लगा हुण ते बिल्कुल ठीक हो गए। मैं कहना पहले नालों भी वध गई। पता उसने मैनू की आख्या, थोड़ा मेरे ते भरोसा नहीं पिया बजदा, थोड़ा मेरे ते विश्वास नहीं पिया बजदा, मेरा मंत्र कम नहीं करदा। मरीज दा भरोसा ना होवे मंत्र कम नहीं करदा। मैं कह मैनू इसकी समझ है, परमात्मा दा नाम महामंत्र है, अगर भरोसा ना होवे तो वह भी नहीं कम करदा। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। अंदर भरोसा है, भावना है ते जप रहा है, उसे एक छिन दे उस मंत्र ने सिद्ध हो जाना है, चानना कर देना है, प्रकाश कर देना है और सारे रोगां दी निवृत्ति कर देनी है। सर्व रोग का औखद ना। मैं उन्हों कहा भरोसा एवें बजदा है? मैं भरोसा बज जाए ते परमात्मा का नाम महामंत्र है, सारे रोग निकल जाते। और महामंत्र है, कलगीधर पातशाह कहिंदे ने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं, ए प्रभु तेरा नाम मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तेरा नाम सब कुछ कम करदा है। पर कदों करदा अंदर भरोसा बजे, भरोसा ते डोलदा है, सारी जिंदगी डोलदा रहिंदा है। गुस्ताखी माफ, चंगियां चंगियां दा डोलदा रहिंदा है, रोज आण वालियां दा डोलदा रहिंदा है, नितनेम करण वालियां दा डोलदा रहिंदा है। इसे वास्ते ते बेनती करनी पैंदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ, डोलदा की है भरोसा, रोज डोलदा है, भरोसा बजदा है, डोल जांदा है। हालात कुछ इस तरह दे वापर जांदे ने जो साड़ी रुचि दे अनुकूल नहीं होंदे ते भरोसा डोल जांदा है। भरोसा बनदा है, भरोसा डोलदा है, भरोसा बनदा है, भरोसा टुटदा है, सारी जिंदगी इस तरह ही लंघदी है। मनुख दे अंदर निरी श्रद्धा नहीं है, शक भी है। श्रद्धा है गुरुद्वारे आ गया, अंदर शक भी हुण गुरु दी हर गल नहीं मनणी। और पता नहीं गुरु जो कुछ कह रहे हैं ठीक भी है कि नहीं।
मनुख नो कई थावां ते भरोसा बज जांदा है, इस वासे पुत्र दी नाजायज गल भी मन लैंदा है, मित्र दी गलत गल भी मन लैंदा है, भरोसा है, पत्नी दी गलत गल भी मन लेगा, भरोसा है, पति दी गलत गल भी मन लेगी, भरोसा है, मित्र दे कहने ते शराब भी पी लेगा, गुरु दे कहने ते अमृत भी छकण नूं तैयार नहीं, भरोसा नहीं, नहीं है भरोसा, भरोसा डोलदा है। अंदर श्रद्धा भी है गुरु को ला गया, अंदर शक भी है गुरु की हर गल मनण वाली नहीं है। सारी जिंदगी इस तरह ही रहती है, इस वास्ते कुछ प्राप्ति भी नहीं आती। श्रद्धा है, शक है, ये इस तरह है जिवें कोई मनुख एक कदम अगे चले एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले एक कदम पिछे चले, तो सारा दिन इस तरह ही चले, किथे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा, किधरे भी नहीं पहुंचा। गालबन मैनु 48 साल हो गए कथा कर दें, भारत के कुछ शहर च मेरा अजे तक नागा नहीं पे, मैं हर साल जाना बॉम्बे इंदौर कानपुर लखनऊ दिल्ली गुरुद्वारा सेजगंज साहब दरबार साहब अमृतसर 40-45 साल जेडे बंदे मैं देखे चढ़दी जवानी च आंदे सन अज बुढ़े हो गए अज भी उत्थे दे उत्थे ने मजाले एक इंच अगे चले हो उदों भी जिंदगी बेरस सी अज भी बेरस उदों भी बरबल बड़ा प्रबल लोभ सी अज भी बड़ा प्रबल लोभ उदों भी चिंता च रहिंदे सन अज भी चिंता च उदों भी वैर विरोध नाल भरे हुए सन अज भी वैर विरोध कुछ भी उन्नति नहीं हुई कीता भी बड़े है चले भी बड़े ने पर चलना इस तरह एक कदम अगे एक कदम पिछे एक कदम अगे एक कदम पिछे कदी श्रद्धा कदी शक कदी श्रद्धा कदी शक डोलदा रहा डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ मंत्रां दे चों सिरमौ मंत्र है प्रभु दा नाम और प्रभु दा नाम जिसने सिद्ध कर लिया जिसने सिद्ध कर लिया उसकी की पहचान होगी जिवें भोजन की बुरकी मूह च पाईए ते जबान नूं रस आ जांदा है अजे कंठ तो थले ते नहीं हुई अजे पची ते नहीं अजे खून ते नहीं बनी अजे शरीर का हिस्सा ते नहीं बनी पर स्वाद आ गया रस आ गया वाहेगुरु आखदे आ जद रस आण लग पवे वाहेगुरु आखे है ते रस नाल भर गया है तो फिर गुरबाणी कहिंदी है वाहेगुरु इहदी रसना ते वस गया प्रभ जी वसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु दा नाम इहदी रसना ते वस गया रोम रोम विच भी वस जाएगा जिवें भोजन की बुरकी थले जाए ते पच के जद हुन बनदी है तो सारे शरीर चलदी है पर पहले ते मूह च पांदे आ ना पहले ते जबान नूं रस आंदा है वाहेगुरु जपदिआं जिहनूं रस आण लग पिआ समझ लो प्रभु दा नां रसना ते वस गया प्रभु जी वसे साध की रसना क्योंकि रस आण लग पिआ स्वाद आण लग पिआ जेदी रसना ते वाहेगुरु वस गया प्रभु वस गया उदी रसना दा बोल खाली नहीं जांदा कम करदा उनु कहंदे ने इहदे कोल वाक सिद्धी है इहदे कोल शब्द सिद्धी है इहदे कोल मंत्र सिद्धी है वो मंत्र कम करदा है और इसने अगर गुरु दा शब्द सिद्ध कर लिया वाहेगुरु मंत्र सिद्ध कर लिया सारे रोगां ते कम आउंदा है सर्व रोग का औखद नाम संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना इस सब तो वड्डी औषधि है और सारे रोगां दी औषधि है पर बदकिस्मती औषधि आप ही बनानी पैंदी आप ही खानी पैंदी नाम आप ही जपना पैंदा
संसार दे सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, बना बनाया भोजन रेस्टोरेंट तो मिल जाएगा, सिले सिलाए कपड़े रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बना बनाया मकान मिल जाएगा, साजो समान मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाता है पैसों नाल। पर मैं अर्ज करा पैसों नाल जपया जपाया नाम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, आप जपना पैदा है, अपना हथी अपना आपे ही काज नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता तो संसार दे सिर्फ एक कोई अवतार दी लोड़ सी, उन्हें सारिया नू दे देना सी, ते जिन्हां कोल है सी उन्होंने अगलिया नू दे देना सी, परिवार नू भी दे देना सी। पर ऐसा ते कदी होया ही नहीं। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, सारा देश कदी धार्मिक नहीं हो सकिया, देश दी गल छड्डो, सारी कौम भी कदी धार्मिक नहीं हुई, कौम दी गल भी वड्डी है, सारा परिवार भी कदी धार्मिक नहीं होया, अवतारा का भी पूरा परिवार धार्मिक नहीं सी। दो चार मैं उदाहरण दया, प्रहलाद धार्मिक है, उसका पिता धार्मिक बिल्कुल नहीं, उसे दुष्ट है, उसे वैरी है। धन गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारस ने, चौथे गुरु नानक, उन्हां दा लड़का पृथ्वी चंद वड्डा, सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा। धन गुरु रामदास जी महाराज नूं कहना भी पिया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, पंक्ति है, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडेरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप, ते पाप करना क्यों करना, प्यो नाल झगड़ना, पिता वकत दा अवतार है, ये वड्डा साहिबजादा कुछ भी नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दिया। राम वकत दे अवतार ने उन्हां दी मतरेई मां कह कही कुछ भी नहीं, उन्हें ते 14 साल दा वनवास दे दिता है। श्री कृष्ण वकत दे अवतारी पुरुष ने, उन्हां दा मामा कंस उन्हां दी जान दा वैरी है। अवतारा में भी सारा परिवार धार्मिक नहीं होया, कदी नहीं होया। मीरा धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ दिता सी, शायद जिन्होंने इतिहास पढ़िया होवे, हिंदू जगत विच राजस्थान दे अंदर चित्तौड़गढ़ दी महाराणी मीरा महाराणी सी, राजे दी औरत सी, लेकिन अठे पैर बंदगी करदिया करदिया समाधि लीन हो गई। चित्तौड़ दा राणा कहण लगा, मैनू पत्नी चाहीदी है, संतनी नहीं चाहीदी, घरों कढ दिता। पहले जहर दे के मारन दी कोशिश कीती, नहीं मरी, फिर घरों कढ दिती। राजस्थान दे जंगलां दे धक्के खांदी रही, कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, मंदर दे च नहीं वड़न देंदा सी। जिन्हां जिन्हां रुखां थले उसने रात कट्टी, राजस्थान दे रजवाड़िया ने अज वड्डे वड्डे मंदर बनाए ने। अज मीरा धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन धार्मिक है, उहदी पत्नी धार्मिक नहीं है। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे त्रिलोचन दे बोल पढ़ लो, ओ अमृत वेले उठ के प्रभु दा भजन करदा है, सत्संगी आ जांदे ने, उहदे कोल बैठदे ने, ते अमृत वेले उठ के उहदी पत्नी सत्संगियां नूं त्रिलोचन नूं ते परमात्मा नूं गालां कढ़नी शुरू करदी। शब्द है तनासी राग दे, नारायण निंदस काहे भूली गवारी, ऐ गवार स्त्री, क्यों नारायण दी निंदा करती, क्यों प्रभु सब कुछ उसे दा दिता है, ये तन मन ये ज्ञान इंद्रिय सब कुछ उसे दा है, ये सूरज दी रोशनी ये वगदी ये पवन ये धरती सब कुछ उसे दी देना है। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दुकरत सुकरत थारो करम रे, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है, तू जो बोया है वो खांदी है, उहदे च नारायण की करे,
घर औलाद नहीं सी, दुखी सी। और इसे शब्द की अखीरलियां पंक्तियां थानू सरवन करावा। पूर्व लोग कृत कर्म न मिटेरी घर गैन, मैं जो बीज चुके हैं मैनू खाना पेगा, आप बीज आप